YT स्टूडियो ऐप के अंदर जब भी आप अपनी वीडियो को एडिट करके, जैसे कि टैग लगा के या डिस्क्रिप्शन लिख के या टाइटल करके, जैसे आप वीडियो को सेव करते हैं तो आपको एक एरर देखने को मिलता है। जैसे कि अभी आपने देखा, देयर वाज ए प्रॉब्लम सेविंग सम चेंजेस। तो ये एरर आपको कैसे सोल्व करना है और ये एरर आपको क्यों आ रहा है, 101% इसी वीडियो में आपको जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखिए, मोस्टली इस एरर के आने के तीन कारण होते हैं, वो क्या है। देखिए, जब यहाँ पे आप टैग वाले सेक्शन में जाते हो, टैग आप लगाते हैं, तो यहाँ पे आपका जो लिमिट होती है टैग लगाने की, आप ओनली 500 अक्षर ही लिख सकते हैं टैग के अंदर। अगर उस कंडीशन में आपने 500 अक्षर से ज़्यादा के टैग यहाँ पे लिख दिए हैं और आप सेव कर रहे हैं, तो आपको ये वाला एरर देखने को मिलेगा, सेविंग सम चेंजेस वाला, ठीक है। और अगर आपके जो 500 अक्षर ही हैं या 500 से कम ही हैं, फिर भी ये एरर आपको देखने को मिल रहा है, तो उसका एक कारण और हो सकता है, उसको भी आप ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पे मैं एक टैग लगा रहा हूँ, देख सकते हैं कैसे करें, ठीक है। उसके बाद एक टैग और यहाँ पे लगाता हूँ, कैसे करें, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो आपने ध्यान नहीं दिया, नीचे लिख रहा है डुप्लीकेट टैग्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। अब यहाँ पे आप सेव करेंगे तो सेव का ऑप्शन ही नहीं आएगा, या फिर इस तरीके से ही एरर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर ये आपने डुप्लीकेट टैग भी नहीं लगाया, मतलब सेम टैग को आपने वापस में रिपीट नहीं करा है, और जो आपके टैग की लिमिट है आपने 500 अक्षर से ज़्यादा भी यूज नहीं किए हैं, फिर भी आपको यही वाला एरर देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो इसका एक और मोस्टली सबसे बड़ा रीज़न होता है, आपकी इंटरनेट जो है यहाँ पे स्लो चल रही है, इसका मतलब ये है। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, इस कंडीशन में या तो आपको टैग सही तरीके से चेक कर लेना है, आपकी टैग प्रॉपर ठीक है, डुप्लीकेट टैग कोई नहीं है, ठीक है। तो आपको एक बार अपना जो मोबाइल है उसको फ्लाइट मोड पर लगा लेना है, ठीक है। तो अभी आपको लाइव सोल्व करके दिखाऊंगा, मोबाइल फ्लाइट मोड पे लगाएंगे, उसके बाद हटाएंगे तो जो आपके इंटरनेट है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी और आपके जो टैग वगैरह थे इजीली सेव हो जाएंगे, आपको ये वाला एरर देखने को नहीं मिलेगा। आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे।